चक्रवाती तूफान जवाद के कारण झारखंड के कई इलाकों में होगी बारिश। शनिवार, रविवार और सोमवार को बारिश की संभावना। मौसम को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। विद्युत आपूर्ति अंचल ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। झारखंड में तूफान के कारण बढ़ेगा ठंड। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। चक्रवाती तूफान जवाद का असर शनिवार से झारखंड में रहेगा। इस कारण शनिवार, रविवार, सोमवार को झारखंड के कई इलाकों में बारिश होगा। शनिवार से सोमवार तक राज्य के दक्षिण और मध्य हिस्से, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार को छोड़कर सभी जिलों में इसका असर दिखेगा। कोडरमा और लोहरदगा में आंशिक असर रहेगा, तो वहीं कहीं कहीं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तीस से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवा। मौसम केंद्र रांची के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि जवाद ने साइक्लोन का रूप ले लिया है। अभी यह पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है। शनिवार की सुबह में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर पहुंचेगा। 5 की दोपहर को पूरी तट के पास से टकराएगा। 6 को यह पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में समाप्त हो जाएगा। इससे झारखंड में बारिश हो सकती है और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। सब स्टेशनों में मौजूद रहेंगे बिजली अधिकारी। विद्युत आपूर्ति अंचल ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलर्ट जारी किया है। झारखंड में तूफान के कारण बढ़ेगा ठंड। मौसम विभाग के अनुसार जवाद के कारण तापमान में बदलाव आएगा और अधिकतम तापमान घटेगा, वहीं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।